नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रतिपुर पंचायत अजमेरी गांव में मंगलवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी की घटना होने से गांव का सैकड़ों घर जलकर राख हो गया। तेज धूप और हवाओं के कारण आग काफी तेजी से फैलती गई, जिससे आगलगी में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। घंटों बीत जाने के बावजूद दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि देखते ही देखते पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। वहीं घटना को लेकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण आग से दूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खेतों की ओर भागने लगे, जबकि इस आगजनी से मची तबाही के कारण लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। हालांकि घटना में जान माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड समेत कई थानों की पुलिस टीम ने पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इस भीषण आगजनी में ग्रामीणों का आशियाना समेत घर का सारा सामान जलकर राख का ढेर बन गया और सभी पीड़ित इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे आ गए। साफ साफ बताबो ना, साफ साफ बताबो, साफ साफ कितना पैसा छो? 4 लाख पैसा छ। कौन गांव छिके? और आग इतना भयानक लग गया है चारों ओर, उस तरफ से भी कितना घर जला है उसका कोई निश्चित नहीं है, गिन नहीं पाएंगे। सरकार के तरफ से जो 2-3 गाड़ी आया है अभी भी काबू आग पर नहीं पाया। लगता है कि 5 घंटा शाम तक चलते रहेगा गाड़ी का पानी, तब कुछ राहत मिलेगा। और हम शादी होनी थी और शादी तो बहुत 2-3-4 परिवार में शादी होने था, सब कपड़ा लत्ता लाया था, जेवर जेवरात सब बेटी का था, वो सब भी जल गया। और जितना खाने का सामग्री चावल मकई गेहूं जितना था वो सब पूरा नष्ट, एक भी कुछ सामान बचा नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा पूजा के लिए अगरबत्ती जलाया गया था उसके दरमियान हुआ गोको महंत के द्वारा, कोई कह रहा जयप्रकाश जी के यहाँ खाना बनाने के क्रम में शुरू हुआ, लेकिन सही पता नहीं चल पा रहा। लेकिन आग से इतना नुकसान है कि 200 घर से ज़्यादा नुकसान हो चुका है, संपत्ति का तो आंकड़ा नहीं किया जा सकता कितना हो। मतलब लोग गांव के चारों ओर बिलबिला रहे हैं बाल बच्चा समेत इस धूप में। अभी तक सरकारी मदद में विलम्ब हुआ है, मात्र 2 छोटी गाड़ी आई है, 2 बड़ी गाड़ी। ग्रामीणों के सहयोग से टैंकर के द्वारा आग पे काबू पाया गया। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरघट पीर दरगाह के समीप मंगलवार की अहले सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकली 4 महिलाओं को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 महिला की मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे गनगनिया गाँव वार्ड नंबर 4 के रहने वाली सरस्वती देवी, सविता देवी, पूजा देवी और रूपा कुमारी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी, तभी एक बड़े अनियंत्रित ट्रक ने उन सभी महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया और चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मरने वालों में कन्हैया पोद्दार की 35 वर्षीय पत्नी सरस्वती देवी और बबलू तांती की 25 वर्षीय पत्नी सविता देवी शामिल है। वहीं इस हादसे को लेकर मृतक महिला सरस्वती देवी और सविता देवी के परिजन नरेश तांती ने बताया कि मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ट्रक ने उनकी बहू को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरस्वती देवी को 4 पुत्री और 1 पुत्र है, जबकि सविता देवी को भी 2 पुत्री है, जिसके सिर से अब मां का साया हमेशा के लिए उठ गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ रवि कुमार राजद की महिला जिलाध्यक्ष आशा जायसवाल और सुल्तानगंज थानाध्यक्ष पे रंजन के समक्ष परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजा देने की मांग की, जबकि अधिकारियों के काफी समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटा लिया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। साइड से आ रहा था क्या? सुबह टहलने टहलने के लिए, उसके बाद पीछे से ट्रक गाड़ी मार दी। ट्रक वाला किनको मारा है? हमारे पुतौ का। पुतौ का क्या नाम है? सरस्वती देवी और कविता देवी। सविता देवी दोनों को? 4 को मारा, 2 को हॉस्पिटल गया। और वो दोनों कौन है? वो दोनों पुतौ है। वो दोनों भी पुतौ है, वो 2 को घायल है, 2 को की मौत हुई है। क्या नाम है? पूजा देवी। जी जी मांग यही है कि जो सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलेगा। सीओ साहब बोले कि हर मृतक के आश्रित को जो है 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि जो घायल अगर
ज्यादा घायल है तो उनको 50,000, अगर कम घायल है तो 20,000 रुपया उनको भी मुआवजा दिया जाए। क्या स्थिति है दोनों घायल का? अभी तो हॉस्पिटल लेके गए हैं प्रशासन, अब वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की रात 0 माइल पुलिस ने सुपर पावर सवारी बस से गांजा समेत तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ गांजा तस्कर कटिहार के कुरसेला से गांजा लेकर भागलपुर की ओर आ रहे थे, तभी इसकी सूचना मिलने पर SSP ने CTSP के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन कर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं इसके बाद भागलपुर 0 माइल चौक रेशम भवन के समीप सबौर CO और एवं पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में दर्जनों पुलिस बल द्वारा सघन चेकिंग की गई, जहां बस का बारीकी से तलाशी लेने पर पुलिस ने 10 किलो गांजा, 5 मोबाइल, एक ट्रॉली बैग, 2 लेडीज साइड बैग और नगद 700 रुपये समेत तस्कर को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में मंसूरपुर निवासी समरेश कुमार उर्फ सोनू, तुलसीपुर खरीक निवासी सोनम शाह, दीमापुर निवासी ललिता कुमारी, मंसूरपुर निवासी रामचरण शाह और कंपनी बाग का रहने वाला राजा कुमार शामिल है। वहीं इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान में बस में छापेमारी कर पुलिस को तस्कर समेत गांजा और कई सामग्री बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंगलवार को सम्राट चौधरी पहली बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां जगह जगह भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 2 दिनों तक जिले के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि मंगलवार को नारायणपुर, बीपुर और नवगछिया में प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन समेत कई नेताओं ने सम्राट चौधरी का स्वागत किया, जबकि अपने दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष कई मंदिरों में पूजा अर्चना करने के साथ संगठन मजबूती समेत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। भागलपुर सपोर की रहने वाली मीनाक्षी और नीरज अपनी सुरक्षा को लेकर SSP कार्यालय पहुंचे, जहां नव विवाहित जोड़ी ने SSP आनंद कुमार से अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई। इसको लेकर सपोर भिट्टी की रहने वाली मीनाक्षी और सपोर निवासी नीरज ने बताया कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जिसके कारण उनकी दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जबकि इसके बाद कॉलेज में भी दोनों की पढ़ाई साथ ही हुई। वहीं प्रेमी युगल ने कहा कि दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन घर वालों को इसकी भनक लग गई और लड़की के परिजनों ने मीनाक्षी की पढ़ाई बंद कर घर में बंद कर दिया। इधर SSP को दिए बयान में प्रेमी युगल ने कहा कि बीते 4 मई की रात्रि मीनाक्षी मौका पाकर घर से निकल गई और अपने प्रेमी नीरज के साथ गोनुधाम मंदिर पहुंची और दोनों ने शादी कर ली। वहीं नीरज और मीनाक्षी ने कहा कि जब मीनाक्षी के परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो उसे फोन कर धमकी दी जाने लगी, जिससे वो दोनों काफी डरे हुए हैं और दोनों ने SSP आनंद कुमार से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इधर नव दंपत्ति की बात सुनने के बाद SSP ने सबौर थानाध्यक्ष से बात कर मीनाक्षी और नीरज को उसके परिजनों से सुरक्षा प्रदान करने और मामले का समाधान कराने का निर्देश दिया। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो वहीं पर स्कूल में ही क्लास में ही मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर से शुरू हुआ। तो फिर हम होते होते उसके बाद फिर अभी इधर ही हम लोग सोचे कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, फैमिली में बोले भी नहीं थे, जानते थे कि मानने वाले हैं नहीं, तो इधर उधर शादी के लिए खोज रहे थे। तो मेरी फैमिली को पता चला भी था तो वो लोग माने नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मानने वाले तो हैं नहीं। इसलिए हम लोग 2 तारीख को घर से निकल कर 2 तारीख को घर से निकल कर भागलपुर स्टेशन से दिल्ली गए। वहाँ पर देखे तो कुछ नहीं, मतलब कि समझ में आया, तो हम लोग यहाँ आ गए भागलपुर 7 तारीख को। फिर वहाँ हम लोग गोनुधाम में शादी की, उसके बाद फिर सर अभी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, लड़की के परिवार वाले बाधा दे रहे हैं और इसीलिए हम SSP सर के पास आए हैं सुरक्षा के लिए। जब करेंगे अब सर ही करेंगे। अब कैसी जिंदगी बिताना है? जिंदगी तो सर खुशी खुशी बिताना है सर, क्योंकि अब साथ रहना है, तो सर इसीलिए। और क्या? एक सबौर से एक कपल आए थे जिन्होंने कि प्रेम विवाह किया था, तो उनको थाना अध्यक्ष से बात किया गया है और उनको थाना भेजा गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थाना को बोला गया है कि उस पर ध्यान रखने के लिए।
विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों की सुविधा और बेहतर इलाज के लिए कई जरूरी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अक्सर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण कई बार मरीजों एवं परिजनों को निराशा का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल भागलपुर के सदर अस्पताल से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसमें एक बार फिर से डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के समीप शहर के मिर्जान हाट शीतलास्थान चौक के पास रहने वाला प्रीतम कुमार अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा, जिसके बाद प्रीतम एक घंटे तक यूं ही सड़क पर मूर्छित पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी ने उसकी कोई सूध नहीं ली। हालांकि बाद में किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन प्रीतम के परिजन ने भी उसे ऐसे ही मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया और खैरियत लेने की भी पहल नहीं की। वहीं इस अव्यवस्था की खबर मिलने पर मीडिया कर्मी के पहुंचते ही गार्ड और कर्मचारी भी हरकत में आए और मूर्छित पड़े व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इधर डॉक्टर ने व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी की आशंका जताते हुए कहा कि अगर ज्यादा देर तक ऐसा मरीज अचेत पड़ा रह जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो हम तो उसको जब खबर मिला तो फिर बोले कि आप अपने गार्ड बंधुओं के साथ ले जाकर उठा के लाइए यहाँ। तब हम लोग उसको दवा सुई तो यहीं चलेगा ना, उसको आई भी लगवा रहे हैं, अभी उसमें आ रहे हैं, तो उसके बाद नॉर्मल उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो चलेगा। क्या लगता है सर, क्या मिर्गी का लक्षण लग रहा है? इलाज शुरू हो गया? हाँ, इलाज शुरू हो गया, लगा दिया। ज़्यादा देर तक रहता तो सांस रुक जाने पर दिक्कत हो जाता है, पेशेंट मर भी सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।